तो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से खबर है, जहां कोहरे की घनी चादर से ठंड बढ़ती जा रही है। ठिठुरन बढ़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगा है। धुंध की वजह से सूरज की किरणें धरती तक पहुंच नहीं पा रही। ठंडक के चलते किसानों को गेहूं में पानी लगाने को काफी दिक्कत उठानी पड़ी। धूप का इंतजार कर रहे लोगों को मायूसी हाथ लगी। शाम होते ही लोग घरों में दुपकने को मजबूर हो गए हैं। दिसंबर के पहले हफ्ते में ही मौसम ने करवट ले ली है। दिन ढलते ही वातावरण में घना कोहरा छाया हुआ देखने को मिला। इससे तापमान में गिरावट आ रही है। गांव में लोग खरपतवार जलाकर आग का सहारा लेने को मजबूर हैं। जैसे गेहूं की फसल के लिए काफी फायदा है। इसमें क्या, गेहूं का जो नया तना आता है वो सर्दी को लेके काफी अच्छा गेहूं की पैदावार के लिए बढ़ावा देता है। इसमें नुकसान भी है कुछ, जैसे आलू की फसल के लिए कुछ नुकसान है। दूसरी चीज, जैसे बुजुर्ग लोग हैं, इनके लिए अस्थमा वगैरह की शिकायत होती है, ऐसे तो वो खेतों पे नहीं आ सकते हैं। यहाँ पर गाय वगैरह ज़्यादा हैं, गाय है, सांड है, जो छोटे घूमते रहते हैं, रात को गेहूं और आलूओं की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो लोग ऐसे में नहीं आ सकते। हमारे साथ शाहजहांपुर से एलके मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। एलके मिश्रा, शाहजहांपुर में मौसम का मिजाज जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। ग्रामीण इलाकों की तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई, जबरदस्त कोहरा देखने को मिल रहा है इस इलाके में। किस तरह से लोग सर्दी से बचने के लिए जतन करते इस इलाके में नजर आ रहे हैं? तो कोहरे ने ठंड बढ़ा दी है। शाहजहांपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार घना कोहरा देखने को मिल रहा है इस इलाके में। ग्रामीण इलाकों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है खासतौर से, और ठंड बढ़ने से लोग अलाव का सहारा लेने पर मजबूर हैं। वहीं फसलों के लिए किसानों का ये कहना है कि कुछ फसलों के लिए ये जो कोहरा है वो वरदान भी साबित हो रहा है, तो कुछ फसलों के लिए यानी कि मिला जुला इस कोहरे का असर जो है फसलों के लिहाज से देखने को मिल रहा है। कुछ फसलों के लिए अच्छा, तो कुछ फसलों के लिए ये खराब भी किसान बता रहे हैं। हमारे साथ फिर से एलके मिश्रा जुड़ गए हैं। एलके मिश्रा, शाहजहांपुर में मौसम का मिजाज किस तरह का नजर आ रहा है? जी आशीष जी, आपको बता दें, पिछले दो दिनों से जो है मौसम यहाँ बहुत बिगड़ा हुआ चल रहा है। अभी तक जो है कोहरा थोड़ा बहुत पड़ता है, लेकिन सुबह जो है धूप खिल जाती है, लेकिन पिछले जो दो तीन दिनों से जो है इतना कोहरा बिकट पड़ रहा है कि सुबह 11 और 12, अभी आप अगर आप अभी की भी बात करें तो अभी भी जो है कोहरा छाया हुआ है, धुंध छाई हुई है, और पूरी तरह से धूप के दर्शन ऐसा लगता है कि एक दो घंटे अभी धूप के दर्शन और नहीं होंगे। ये जो है मामला दो तीन दिन से जो है लगातार कोहरा पड़ रहा है। इससे जो है ग्रामीण गांव के अंचलों में जो है जनजीवन जो है बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया है, और किसान जो है इस चीजों से। जनजीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।